अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, ये क्या होता है। देखो y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx जैसे ही में कोई गिवन फंक्शन है, इसमें आपको ऐसा काम करना पड़ेगा कि 11th के डिफरेंशिएशन के सूत्र सारे आपको पता होने चाहिए। तो पहले ये सूत्र देख लो, ये देखो y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, ठीक। तो इसका ये अवकलन, अवकलन जो होता है आपका, ये अवकलन का अवकलन जो डिफरेंशिएशन होगा, ये लिखते हैं dy by dx, या लिखेंगे d by dx of fx, या इसको लिखते हैं f dash dx, हैं, या लिख देंगे कैपिटल dy, या कैपिटल dAfx, ठीक। तो ये डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, y इक्वल टू fx, ये दिया गया फलन है, दिया गया फलन। तो ये इसको आप क्या लिखते थे, यहाँ जैसे ये f से x होगा, तो आपको आता था कि ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, और ये x प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये इसकी यही परिभाषा होती थी कि परिभाषा। और आपको 11th में कई सूत्र दिए गए थे, जैसे d by dx of any constant, constant का 0, ठीक, जहां c क्या है आपका, ये नियतांक है, c नियतांक है, और d by dx of x to the power n, जैसे ये आया तो ये n into x to the power n minus 1 लेते थे, हैं, d by dx of log x का बेस e, तब 1 by x होता था, यही हो जाता था d by dx of एक ये log, जैसे ये x to the base e, ये 1 by x log e to the base e, ये ऐसे करके आ जाता था। उसके बाद d by dx of a का पावर x था, तो a का पावर x log a to the base e आता था। उसके बाद आपका ये d by dx of sin x जैसे लेते थे, तो sin x का पावर x, d by dx of d by dx of ये cos x, cos x का माइनस sin x, और उसके बाद ये d by dx of जैसे tan x आ गया, तो tan x का आप लिखते थे ये sec square x, और ये d by dx of sec x, sec x का होता था sec x into tan x। उसके बाद आपका जैसे आ गया d by dx of cosec x, तो ये cosec x का माइनस cosec x into cot x, और ये d by dx of cot x, cot x का आ जाता था माइनस cosec square x, ये करते थे। अब ये दो फलनों के गुणनफल की बात जब आती थी कि दो फलनों के गुणनफल का कैसे करेंगे, तो दो फलनों का जैसे ये देखे, दो फलनों का गुणनफल, ठीक, गुणनफल, तो इसमें जैसे दो फलन आपके u और v होते थे, तो इनका डैश माने फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और भाग फल वाले में क्या सूत्र चलता था, भाग फल जैसे है, भाग फल वाले में u और v दो है, तो u और v का डैश, तो पहले डिनोमिनेटर r ले लेते थे, फिर अंश का अवकलन माइनस अंश इनटू हर का अवकलन, अब बटे हर का वर्ग, ये आता था।
उसके बाद अब आपको जो एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन की आ रही है उसमें फार्मूलों का तो इन्हीं सबों का यूज करेंगे, लेकिन ये इसमें क्या करेंगे, चेनिंग रूल लगेगी, अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएशन, ये होता है चेनिंग रूल। जैसे हम लोग ये एक्सरसाइज देखिए, ये एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज का फर्स्ट, जैसे ये दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस आई। अब थोड़ी देर के लिए इनके हाल में समझिए, ये किस चर में है, यह है एक्स चर में। यदि ये साइन एक्स रहता तो यहाँ पर आप फार्मूला देख रहे हो कि साइन एक्स का कॉस एक्स हम लिख देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर है साइन एक्स स्क्वायर प्लस आई, मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस आई, साइन एक्स स्क्वायर प्लस आई है। तो ये इसको क्या करोगे, जैसे साइन एक्स का क्या होता था आपका कॉस एक्स, तो ये आप लिखोगे इसको एक्स की तरह भी है, डायरेक्टली एक्स तो है नहीं, लेकिन एक्स भी है करोगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। अब ये है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डायरेक्ट एक्स नहीं था, तो इसका क्या करेंगे, अगेन डी बाई डी एक्स, अगेन डी बाई डी एक्स में ये एक्स स्क्वायर प्लस फाइव था, तो ध्यान दे लीजिए इस एक्स स्क्वायर का अलग करेंगे ये फलन अलग, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा पावर सामने, यह है यन एफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर यन इक्वल टू यन एक्स का पावर एन माइनस वन, तो ये कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव और ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव, ये इन दोनों का अलग करेंगे, इसी को कहते हैं चेनिंग रूल, चेन का। तब तक आप करोगे जब तक कि डायरेक्ट फार्मूला ना मिल जाए, तो ये cos x स्क्वायर प्लस 5 हो गया, x स्क्वायर का 2x होगा इस वाले फार्मूले से, और ये 5 कांस्टेंट है इसका 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस, ये आपका आंसर है। अब सेकेंड डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन ये इनका देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेकेंड, ये है कॉस और ये साइन है, देखो ये कॉस एक्स रहता तो माइनस साइन एक्स हो जाता, लेकिन कॉस माइनस साइन एक्स ये एक्स में फलन है, तो जब ये इसका हल करने लगेंगे, हल करेंगे तो d by dx r कितना आ जाएगा cos sin x, cos sin x का मतलब माइनस cos x रहता है तो माइनस sin x, और उसकी जगह x की जगह कितना है sin x, sin x इज नॉट x, यह x नहीं है, देयरफॉर अगेन डिफरेंशिएटिंग sin x d by dx of sin x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ये साइन एक्स और इनटू साइन एक्स का अलग से ले लेंगे, ये आ जाएगा आपका साइन एक्स इनटू कॉस एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, इसके पहले था कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि जो आप फलन देखते हो, थोड़ा सा शुरुआत से समझिए बात को, कि आपका आता था फलन, फलन क्या है, एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, यदि ये फलन आपका सतत है कंटिन्यूअस तभी उसका आप डिफरेंशिएशन या भी आगे पढ़ना है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कर सकते हो, यदि फलन सतत नहीं है तो उसका अवकलन नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा आपको क्लास 11th में रहा होगा लिमिट और डेरिवेटिव, सीमाएं और ये अवकलन, तो सीमा और अवकलन यहाँ पर है सततता, कंटिन्यूटी का मतलब सततता, सततता और
तब ये आपका उपलब्धि था। तो जो सतत फलन होंगे उन्हीं का क्या काम करना है, आपको अवकलन प्राप्त करना है। तो ये जितने सूत्र हैं, जैसे ये दिए गए, ये पहले में कितने सूत्र, ये सूत्र सब आपको यहाँ तक याद होना चाहिए। उसके बाद जो पहला है, सब चेनिंग टाइप का आपका ये इसमें है ही है। चेनिंग रूल अगेन एंड अगेन करते जाइएगा, अगेन और अगेन, इसी से आपका हो जाएगा। ठीक, तो